आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पैसे के लिए शादी की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, आयशा टाकिया। फिल्मों में हिट नहीं रहने के बावजूद आयशा टाकिया ने एक बहुत ही अमीर व्यक्ति से शादी की है। आप लोगों को बता दें कि आयशा टाकिया ने फरहान आजमी से शादी की है जो बहुत सारे होटल के मालिक हैं और जिनके पिता एक बड़े राजनेता हैं। दोनों ने शादी से पहले लंबे टाइम तक एक दूसरे को डेट किया था। आयशा एक पॉलिटिशियन खानदान की बहू बनी है। इनकी शादी इतने बड़े स्तर पर हुई थी कि लोग देखते ही रह गए थे। नंबर दो, किम शर्मा। अनिल पुंजानी केन्या में रहकर बिजनेस करने वाले एक अमीर भारतीय बिजनेसमैन हैं। अनिल से शादी करने से पहले किम की जिंदगी में कार्लोस हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कार्लोस को छोड़कर अनिल से शादी रचाई। कहा जाता है कि अनिल पुंजानी कार्लोस से कहीं ज्यादा अमीर थे। हालांकि अब किम और अनिल का भी तलाक हो चुका है। नंबर तीन, शिल्पा शेट्टी। अपनी अदाओं से यूपी बिहार लूटने वाली शिल्पा के लाखों दीवाने हैं। शिल्पा शेट्टी ने साल 2009 में मशहूर उद्योगपति राज कुंद्रा से शादी रचाई थी। सूत्रों की माने तो शिल्पा ने राज कुंद्रा से शादी इसलिए की क्योंकि वो बहुत अमीर थे। एक ब्रिटिश मैगजीन के अनुसार राज कुंद्रा का नाम अमीर आदमियों की लिस्ट में 198वें स्थान पर आता है। नंबर चार, श्रीदेवी। श्रीदेवी ने खुद से 8 साल बड़े आदमी बोनी कपूर से शादी की थी। दोनों की जोड़ी लोगों को बहुत अटपटी लगती थी, लेकिन सूत्रों की माने तो श्रीदेवी की खूबसूरती ने बोनी कपूर को उनका दीवाना बना दिया था। वहीं श्रीदेवी भी उन्हें अपना दिल दे बैठी थी, जिसके बाद साल 1996 में उन्होंने शादी कर ली। नंबर पाँच, टीना अंबानी। 80 के दशक में टीना अंबानी की खूबसूरती के लाखों दीवाने थे। उस समय टीना और संजय दत्त के अफेयर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन साल 1991 में टीना ने मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी से शादी कर ली। खबरों की माने तो टीना ने अनिल अंबानी से केवल पैसों के लिए शादी की थी। नंबर छह, जूही चावला। जूही चावला ने साल 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से शादी की। 90 के दशक में जूही बॉलीवुड की मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी। जूही ने अपने करियर के पीक पर अपने से 7 साल बड़े जय मेहता से शादी कर ली थी। शादी के बाद जूही ने बहुत ही कम फिल्मों में काम किया। नंबर सात, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी ने भी चट मंगनी पट शादी कर ली थी, वो भी शादीशुदा रहे आदित्य चोपड़ा से। आदित्य चोपड़ा यश राज चोपड़ा के बेटे हैं और काफी रिच भी, शायद इसीलिए वो इस शादी के लिए राजी हो गई। नंबर आठ, विद्या बालन। फिल्म डर्टी पिक्चर में सिल्क स्मिता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री विद्या बालन आज बॉलीवुड की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं। इस फिल्म के लिए विद्या को नेशनल अवार्ड भी मिला था। कहा जाता है कि एक्ट्रेस ने पैसों के लिए सक्सेसफुल प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की है। दोनों ने साल 2012 में शादी की थी। आप लोगों को बता दें कि सिद्धार्थ रॉय कपूर डिज्नी इंडिया के डायरेक्टर हैं और उनका 2 बार तलाक हो चुका है। नंबर नौ, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर ने भी पहले से ही शादीशुदा बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की। कहा जाता है कि करिश्मा की माँ इस शादी के लिए इसलिए भी राजी थी क्योंकि संजय कपूर काफी अमीर थे, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा टाइम नहीं चला। नंबर दस, करीना कपूर। करीना कपूर ने भी शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता को ही हमसफर चुना। हालांकि सैफ पहले ही तलाक ले चुके थे और फैंस को उनकी जोड़ी काफी पसंद भी है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सैफ पटौदी के नवाब हैं और बेशुमार दौलत के मालिक भी, इसलिए करीना ने सैफ को चुना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने सगे संबंधियों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।